थाना कटघर के पीर ज्यादा रोजे वाली जियारत पर क्षेत्रवासियों द्वारा मुरादाबाद से सपा के पूर्व सांसद डॉक्टर एस टी हसन और सपा के महानगर अध्यक्ष इकबाल अंसारी ने कराया है। और इस मौके पर पूर्व सांसद एस टी हसन ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि जो आज़ादी हमारे बुजुर्गों ने बहुत ज्यादा मेहनत कर और कुर्बानी देकर हासिल की थी, उसकी हिफाजत करना हमारा फर्ज है। आज आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। देखिए 78वें यौम आज़ादी के ऊपर मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से तमाम ही लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस आज़ादी को हम बरकरार रखें। जो आज़ादी हमारे बुजुर्गों ने बहुत ज्यादा मेहनत और कुर्बानियां देकर हासिल करी थी, उसकी हिफाजत करना हमारा फर्ज है। आज वो लोग जिन्होंने जंगे आज़ादी में कोई योगदान जिनका नहीं था, वो आज हम लोगों से हमारी वफादारियों के सबूत मांगते हैं। आज वो लोग लाल किले से सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं, जो खुद बहुत बड़े कम्युनल हैं। मैं सभी लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि देश की गंगा जमनी तहजीब, प्यार मोहब्बत, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को बरकरार रखते हुए आज़ादी को बरकरार रखें और अपनी नस्लों को एक अच्छा माहौल दें। देखिए यौम आज़ादी का आज का जो 15 अगस्त के रूप में मनाया जाता है, ये यौम आज़ादी का दिन हमारे लिए सारे ही पर्वों, सारे ही त्योहारों से बड़ा त्योहार है, क्योंकि आज़ादी से बड़ा हमारे लिए कुछ नहीं होता। आप जैसे कि जानते हैं, एक पंछी पिंजरे में कैद हो और जब उसको आज़ाद कर दिया जाए तो वो कितना खुला महसूस करता है अपने आप को। इसी तरीके से हम हिंदुस्तानियों के लिए आज का दिन है और हमें इतने पुरखलूस तरीके से मनाना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जिस तरीके से सबों ने इसे मिलकर आज़ाद कराया, इसी तरीके से मिलजुल कर इसे मनाना चाहिए। हमारे झंडे का कहीं अपमान नहीं होना चाहिए, हमारे झंडे का सम्मान होना चाहिए। हिंदुस्तान जिंदाबाद। मुरादाबाद से रिहान अंसारी की रिपोर्ट।